थे आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। ठीक है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती की पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है रेलवे भर्ती की तरफ से। देखिए रेलवे में 2019 के बाद कोई भी भर्ती नहीं आई थी ग्रुप डी की, चाहे हो NTPC की हो, ठीक है, या फिर RPF की कह सकते हैं। दोस्तों 2019 की भर्ती को 2023-24 में कंप्लीट कराया गया और उसके बाद दोस्तों लाखों पद खाली पड़े थे रेलवे ग्रुप डी को लेकर। कर्मचारियों की लगातार कमी चल रही है, ओवर टाइम आप लोग देख रहे हैं, ट्रेन से लेकर के स्टेशन मास्टर हर जगह ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भर्तियों का विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी के जो भर्ती को लेकर अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है हम लोग वहीं पर प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले। रेलवे ग्रुप डी 1,25,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन, 22 जनवरी से करें आवेदन। ये न्यूज सर्कुलेट करके अभ्यर्थी करें कि सर इस न्यूज की सत्यता की मेंशन कर दीजिए, क्या ये न्यूज है। तो बच्चों जो ये न्यूज सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ये बिल्कुल फेक है और प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू इसकी पुष्टि नहीं करता है, ध्यान देना मेरी बात को। अब बात आ जाती है मेन मुद्दे की कि भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने तमाम जो डिवीजन है वहां से रिक्रूट पदों का दोस्तों ब्यौरा मांगा है और ये मंत्रालय को जाएगा और मोफ बॉबी चांस है कि फरवरी के पहले वीक में आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसका ब्यौरा आया गया या फिर जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम सूचित कर देंगे। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।